Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to do exercise C. Answer these questions in 80 to 100 words of your new English fairy book. Let's start with question number 1. Summarize the poem in your own words. Aapko apne shabdon mein is poem ki summary likhni hai. Let's write. In this poem, poet Ella has explained about selfish motives of the human who always thinks about his own benefits. इस poem में poet Ella ने humans के selfish motives यानी अपने स्वार्थी उद्देश्यों को बताया है कि वो हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचता है. The poet says that everyone wants a wiser world. But nobody makes a start. Poet कहता है कि हर किसी को एक अच्छा ज्ञानवान बुद्धिमान संसार चाहिए लेकिन उसके लिए कोई भी शुरुआत नहीं करता. If you want to make a difference in the world, you should never do bad things. और अगर आप इस संसार में कुछ अंतर कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं तो आपको बुरी चीजें नहीं करनी चाहिए. If our actions are straight and true, our minds will be free of all selfish motives. अगर हमारा काम सीधा और सच्चा होगा तो हमारा दिमाग स्वार्थी उद्देश्यों से मुक्त होगा. With our efforts, we can make a little Eden. और अपने थोड़े से प्रयासों से हम एक छोटा सा ईडन बना सकते हैं. The poet says that the hand that plants the acorn in the ground are responsible for the growth of the oak tree, which is so large that it can shelter armies. Poet कहता है कि वो हाथ जो धरती पर एक छोटा सा acorn का पौधा लगाते हैं वो ही एक बड़े से ओक ट्री के बनने के लिए जिम्मेदार होते हैं. वो बड़ा सा ओक का पेड़ जो बहुत सारे लोगों को छाया देता है. द ग्रेट एक्शंस बिगिन विद स्मॉल डीड्स. तो इसीलिए पोएट कहता है कि जो बड़े बड़े काम हैं, उनकी शुरुआत छोटे छोटी चीजों से होती है. क्वेश्चन नंबर 2. इज द टोन ऑफ द पोम ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक? Cite examples from the poem to support your answer. क्या जो poem है वो आशावादी है या निराशावादी है? आपको अपने answer के support में poem से example देना है. Answer is, the tone of the poem is undoubtedly optimistic. जो poem है वो इसमें कोई संदेह नहीं, निस्संदेह वो आशावादी है. We can certainly make the world a better place, a wiser place and a happier place. हम निश्चय ही इस संसार को एक अच्छी ज्ञानवान और एक happier place यानी खुशनुमा जगह बना सकते हैं. It is not impossible, ये असंभव नहीं है. We can start with our actions and our thoughts. हम अपने कामों और अपने विचारों से इसकी शुरुआत कर सकते हैं. If we are honest in our actions and noble in our thoughts, अगर हम अपने कार्यों में ईमानदार हैं और अपने विचारों में सच्चे हैं, we can create a little Eden right where we live. अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें तो जहां हम रहते हैं उसको भी एक छोटा सा ईडन बना सकते हैं, यानी उस जगह को भी हम स्वर्ग बना सकते हैं. इफ वी वॉन्ट द वर्ल्ड टू बिकम वाइज, फर्स्ट वी शुड एक्वायर नॉलेज बिफोर शेयरिंग इट. अगर हम चाहते हैं कि ये संसार ज्ञानवान हो जाए, बुद्धिमान हो जाए, तो उसके लिए हमें पहले खुद ज्ञान अर्जित करना होगा. उसको तभी हम दूसरों को बांट सकते हैं. दूसरों को बांटने से पहले हमें वो नॉलेज खुद अक्वायर करनी होगी. इफ वी वॉन्ट टू लिव इन अ हैप्पियर प्लेस, वी शुड स्प्रेड जॉय ऑल अराउंड अस. अगर हम एक खुशनुमा जगह पर रहना चाहते हैं जहां पर सब लोग खुश हों, तो हमें चारों तरफ खुशी बिखेरनी चाहिए.
So the poet shows that we can be hopeful of creating a much better world if we take care of our actions and thoughts. तो इस तरह से पोएट ये दिखाता है कि हमें एक बेहतर संसार बनाने के लिए आशावादी होना चाहिए अगर हम अपने एक्शंस यानी कार्यों पर अपने विचारों पर ध्यान दें तो हम इस संसार को एक बेहतर जगह बना सकते हैं. सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज सी इन दिस वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो देन प्रेस ऑन लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. सी यू सून. टिल देन बाय बाय. हैव अ गुड डे.